मोदी जी ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है मित्रों, तो देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार चलती थी, यूपीए की सरकार चलती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती थी, और पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से उसको अपमानित करते थे। देश के प्रधानमंत्री के सर पर माथे पर जू नहीं रहती थी, उफ करने की हिम्मत नहीं थी। देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया, पाक प्रेरित आतंकवादी भूल गए, क्या सरकार बदल चुकी है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी है। सरकार कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है। 10 ही दिन के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी। देश का संविधान बना तब से और जनसंघ की स्थापना हुई तब से हम कहते थे कि धारा 370 अकृत्रिम है, आर्टिफिशियल, इसको नहीं रखनी चाहिए। वो कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए जुड़ने से रोकती है, मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती थी, धारा 370 को हटाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेती। कई बार 3/4 बहुमत से उनकी सरकार आई मगर कुछ नहीं किया गया। आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को चुनाव जिताया, 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान से धारा 370 और 35 को फाड़ कर फेंक, और जो कहते थे, मैं ही बिल लेकर गया था संसद में, कहते थे खून की नदियां बहेगी, कांग्रेस पार्टी के लोग ही कहते, तृणमूल कांग्रेस के लोग ही कहते, खून की नदियां बहेगी। मित्रों, कंकर भी पत्थर छोड़ो, कंकर भी मारने की किसी की हिम्मत नहीं। भारत को एकजुट करने का काम, भारत को सुरक्षित करने का काम, भारत को विकसित करने का काम, पूरे विश्व में भारत के गौरव को प्रस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं गोवा वासियों को अपील करने आया, ये गोवा का 2022 का चुनाव जो भाई मनोहर पर्रिकर ने विकास का रास्ता प्रशस्त किया है, जो डॉक्टर प्रमोद सावंत आगे लेके जा रहे हैं, उसको आगे तो ले ही जाएंगे, इसके साथ साथ समृद्ध गोवा की नींव भी डालने का काम करेगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत करेगा, देश को महान करने की प्रक्रिया में गोवा का भी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इतने सारे लोग आप बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोले, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गोवा में 22 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हाथ मजबूत होगा या नहीं होगा? गोवा विकसित होगा या नहीं होगा? गोवा समृद्ध होगा या नहीं होगा? तो मैं गोवा की जनता को अपील करने आया हूं मित्रों, ढेर सारे काम किए हैं, हमारा घोषणा पत्र भी आने वाले हैं, इसमें हमारा खाका भी निकलेगा, परंतु एक बात मैं कह देता हूं, विपक्ष के बहुत दिनों के बयान को मैं बारीकी से देख रहा हूं, पाप तो उनके समय में करा हुआ था, मगर सवाल हमारे समय में आकर खड़ा हुआ, गोवा के माइनिंग का सवाल। विगत 2.5 साल से प्रमोद जी दिल्ली में सभी मंत्रियों के साथ बैठकर, मेरी ऑफिस में भी कई बार मीटिंग हुई माइनिंग मंत्री के साथ, इसका बहुत अच्छा हल निकाला है। भारत सरकार ने डंपिंग पॉलिसी डिक्लेयर करी, वो गोवा ने एक्सेप्ट कर ली है, माइनिंग कॉरपोरेशन भी बना दिया है। मैं आपको स्पष्ट कहकर जाता हूँ गोवा के युवानों कि गोवा में डबल इंजन की भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद 6 माह से कम अंतराल में पारदर्शी नीलामी कर हम फिर से माइनिंग एक्टिविटी को चालू करेंगे और गोवा को